नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। कैंटीन की बंद की गई सुविधा भिंड और मुरैना जिला मुख्यालयों पर एक सप्ताह में बहाल नहीं की गई तो चंबल संभाग के पूर्व सैनिक स्टेशन मुख्यालय ग्वालियर में धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। यह आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा। जी हां, बता दें कि पूर्व सैनिक संघ के जिला अध्यक्ष सूबेदार मेजर राकेश सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में बाईपास रोड स्थित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय पर काली पट्टी बांध कर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन के बाद पूर्व सैनिकों ने यह संकल्प लिया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम डिप्टी कलेक्टर अखिलेश शर्मा को ज्ञापन देकर सुविधा बहाल करने की मांग की गई है। पूर्व सैनिकों ने कहा है कि जिले में 9000 पूर्व सैनिकों के अलावा शहीदों के परिवार व सैनिकों के परिवार भी निवास करते हैं। वहीं कई पूर्व सैनिक उम्र अधिक होने से ग्वालियर नहीं जा पाते। शहीद परिवारों की वीरांगनाएं भी व्यावहारिक रूप से ग्वालियर जाने में असुविधा महसूस करती हैं, इसीलिए जिला मुख्यालय पर कैंटीन सुविधा बहाल होनी चाहिए। पूर्व सैनिकों ने कहा कि एक सप्ताह तक इस ज्ञापन और मांग के बाद इंतजार किया जाएगा। उसके बाद चंबल संभाग के पूर्व सैनिक सामूहिक रूप से ग्वालियर पहुंचकर स्टेशन हेडक्वार्टर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू करेंगे। अपनी सुविधा बहाल करने के लिए जिले भर से पूर्व सैनिक और शहीद परिवारों की वीरांगनाएं इस आंदोलन में शामिल हुई। वहीं बता दें, प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पूर्व सैनिकों की मांगों से संबंधित ज्ञापन निश्चित प्रक्रिया के तहत जिम्मेदार स्तर तक पहुंचा दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन आंदोलन में पूर्व सैनिकों के अलावा शहीद परिवारों की वीरांगनाएं भी शामिल होंगी। इनमें मिथिलेश देवी, लीला देवी, शिवरानी, श्रीदेवी, प्रेमा देवी, कैलाशी देवी, कप्तान सिंह, हुकुम सिंह, राजा राम सिंह आदि शामिल रहे।